खबर टेलीविजन जगत से है। पिछले 7 साल सारेगामापा लिटिल चैंप्स की जबरदस्त सफलता के बाद जी टीवी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और अब तक का सबसे प्रतिष्ठित एवं मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा एक बार फिर लौट आया है। इस शो के सिटी ऑडिशन की शुरुआत हो चुकी है और सभी टैलेंटेड सिंगर्स को आगामी सीजन के ऑडिशन में आमंत्रित करने के लिए सारेगामापा 2009 की विजेता वैशाली माड़े शुक्रवार को नागपुर पहुंची। इस मौके पर वैशाली माड़े ने कहा कि मैं इस शहर के सभी उभरते सिंगर से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे आगे आए और इस ऑडिशन में हिस्सा ले, क्योंकि यदि आप में टैलेंट है तो यह मंच आपको अपने सपने सच करने का मौका जरूर देगा। सारेगामापा जब जब भी होता है एक 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 समुद्र मंथन कह सकते हैं, एक बहुत बड़े हर इंडिया के हर शहर में ऑडिशंस लेके वहां से सिंगर्स बुला के वहां पे बॉम्बे में उनको तराश के एक बहुत बड़ा एक कलाकार आप सब लोगों के सामने हर साल या जब भी सारेगामा आता है तभी आपके सामने पेश किया जाता है। तो इस साल भी यही एक सबकी मनोकामना है कि सारेगामापा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिले जिस तरह से आपने शुरू से दिया है, और इस बार भी एक बहुत अच्छे सिंगर्स लोगों को सारेगामापा लेके आया है। सारेगामापा 2018 के ऑडिशन शुक्रवार 31 अगस्त 2018 को नागपुर के तुली पब्लिक स्कूल कोराडी नाके के पास होने जा रहा है। नागपूरला येणाऱ्या 31 ऑगस्ट रोजी ऑडिशन आहे 16 ते 25 वयोगटासाठी, आणि यावेळेस सोना महोपात्रा जज आहेत आणि शेखर राजवणी आहेत आणि तिसरे जज अजून गुलदस्त्यात आहेत आणि ॲज युजुअल ज्युरी आहे आमची ग्रेट ग्रँड ज्युरी। आणि यावेळेसचा सीझन पण खूप जसा लिटल चॅम्प आमचा खूप लांब आणि सक्सेसफुल सीझन सारेगामापाच्या हिस्ट्रीमध्ये झाला तसा हा सीझन आम्हाला अपेक्षा आहे की या सीझनमध्ये पण कलाकार खूप चांगले येतील, सिंगर्स खूप चांगले येतील आणि हा सीझन पण खूप रॉकिंग होईल असं वाटतं। होटल रेडिसन ब्ल्यू से कॅमेरा पर्सन रवी शुक्ला के साथ विजय तायडे की रिपोर्ट, एबीटी न्यूज नागपूर।